शांति। आज की तारीख है 8/10/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव भगवान वाच प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अर्थात अर्जुन के द्वारा कि तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है, खान पान की भी परहेज रखनी है। प्रश्न है, ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है, कैसे? उत्तर है, हरेक के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे लेकिन छिप नहीं सकता, सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। हरेक का खाता ऊपर में रहता है, इसलिए बाप कहते हैं कि बाप का बनने के बाद कोई भी पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा, सजाएं भी कम हो जाएंगी, इसलिए छिपाओ मत। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर, छिपाने से धारणा नहीं हो पाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, एक की ही याद में रहना है। नंबर दो, सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है और अपवित्र कभी नहीं बनना है। वरदान मीठे मीठे बाप दादा का, दुख की लहरों से न्यारे रह प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि संगम के समय दुख की लहरों की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी की मौसम में गर्मी होगी लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है, तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव न पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जो ऐसे न्यारे और परमात्मा के प्यारे हैं वही खुशियों के खजानों से संपन्न रहते हैं। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वो हैं जो माया के बहु रूपों को सहज ही पहचान ले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।